इसीलिए कृष्ण कथा के खतरा से बचना चाहिए। तो आगे के श्लोक में भ्रमर ये कहता है कि जब इतना सब जानकारी थी आपको तो फिर कृष्ण से प्रेम क्यों किया? इतना जानते हैं कि कपटी हैं, सब हैं। तो राधा रानी कहती हैं, क्या करें भ्रमर, हमने श्याम सुंदर की असत्य बातों को भी सत्य के रूप में मान लिया, ये हमारी कमजोरी थी। न पारे हम निर्वध संयम इत्यादि, वे कहे थे कि मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुका नहीं पाऊंगा, मैं ऋणी हूँ और मैं कभी भी ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ, ये है। तो वयम ऋतम विवर जिह में व्या हितम सद बधाना, हम अज्ञ हैं, जिह में व्या हितम, जिह में का अर्थ होता है कपटी, कपट से श्याम सुंदर बोल रहे थे। व्याहृतम, व्याहृतम का अर्थ बोली, उनका बोला हुआ शब्द कपट से बोल रहे थे। हमको ये पता नहीं था कि बाहर से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे प्रेमी हैं और भीतर से उनके मन में कुछ और था। इसको जिह्न कपटी कहते हैं। तो उनके कपटपूर्ण बातों को, असत्य बातों को वयम रीतम इव श्रद्धाना, हमने सत्य की तरह मान लिया, एकदम सच मान लिया, एकदम सत्य बोलते हैं। कुलिक रीतम इवाज्ञा कृष्ण बद्धो हरिण्य, जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नियां हरिणिया कुलिक रूतम बहेलिए के गान को सत्य मान लेती हैं। वन में जा करके बहलिया बहुत मधुर बांसुरी बजाता है, गीत गाता है, तो उसको सुनने के लिए हरिण की स्त्रियां आ जाती हैं, हरिण भी आते हैं उनके साथ साथ, हरिण की स्त्रियां भी आती हैं, वो आ जाते हैं, तो शब्द सुनने में फंस जाते हैं, कान के लिए अमृत लगता है, लेकिन उसी समय बहलिया बाण मारता है। और आश्चर्य की बात है कि बाण लगा हुआ है हरिणी को, बाण लगे हुए से फिर भी गीत का ऐसा आनंद होता है कि बाण लगने के बाद भी वो सुनती है, भागती नहीं है कि कोई मारा। यदि बहुत मधुर संगीत हो, संगीत से इतना प्रेम है, गीत से शब्द से, को सुनती रहती है। इसी तरह से बीच बीच में हमसे कपट किए किया श्याम सुंदर, लेकिन फिर भी हम सत्य समझते थे। कृष्ण बद्वह बद्वह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हरिणी के लिए है अथवा हम लोगों के लिए है। यहाँ तक कि हम लोग कृष्ण की बधु बनी, कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन जैसे बहेलिया कपट से गीत गाता है और बाण मार देता है, ऐसे ही हम उनके झूठी बातों को सत्य समझ गए। और ददृशु असकृत ए तन नख स्पष्ट तीव्र स्मर रुज, आज हम इस दुख को देख रहे हैं, हमको एक बार उनके नख का स्पर्श मिला है। असकृत ए तन नख स्पर्श तीव्र, श्री कृष्ण ने एक बार केवल नख से हमारा स्पर्श किया और उसे स्पर्श से हम स्मर रुज प्रेम रस से काम रोग से ग्रस्त होने, इस दुख को हम देख रहे हैं, हमारी क्या दशा है, हम मर रहे हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छूटी। पर अब मत जलाओ, उपमंत्री, उपमंत्री कहते हैं दूत को, हे उपमंत्री, हे गायक विदूषक, भण्यताम अन्य वार्ता, कृष्ण कथा के अलावा, कृष्ण की चर्चा के अलावा और बात बोलो, कृष्ण की चर्चा मत करो। हम लोगों ने बहुत दुख देखा,
यहाँ तक श्री राधा रानी विरुद्ध भाव में बोल रही हैं। दो श्लोक में वे कृष्ण के अनुकूल बोलेंगे लास्ट में, क्योंकि प्रेम अंततः प्रियतम के गुण को ही गाता है और मान में उनके दोषों का आविष्कार होता है। दोष रहता नहीं है, लेकिन गुणों को ही दोष के रूप में देखना और कहना ये होता है मान में। तो यहाँ तक श्री कृष्ण के दोषों का वर्णन की, कल्पित दोष और सब कुछ कल्पित। मथुरा में वे मथुरा के स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, ये सब कल्पना थी। यहाँ तक कि भ्रमर को दूत के रूप में भी वे कल्पित ही सोच रही थी। भंवरा दूत नहीं था, लेकिन उसको मान ली कि ये कृष्ण का दूत है और प्रीतम ने हमें प्रसन्न करने के लिए इस दूत को भेजा है। और जब वह भन-भन कर रहा था भंवरा, तो उसको समझ रहे थे कि ये बहुत बहुत बात बोल रहा है और मना रहा है। तो जो भी दोष के रूप में श्री राधारानी ने कहा है, कोई दोष नहीं है। वास्तव में उसका श्लेष अर्थ है, वो सारे गुण हैं, सारे श्री कृष्ण के सद्गुण हैं। वास्तव में तो ब्रजभाषा में गोपियों के इस उद्गार को सुनना चाहिए। पद है सुरदास जी का, सब जल तजे प्रेम के नाते। उद्धव जी से कहती हैं गोपियाँ, उद्धव चाहे लाख दुख हो, हमें विरह का ताप अनुभूत हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इतने दुख पर भी हमें प्रियतम श्याम सुंदर ही अच्छे लगते हैं। तुम जो चाहते हो कि हमारा चित्त श्याम सुंदर से हट जाए, हम दूसरा कुछ सोचे, सुखी हो जाए, नहीं, हमको इसी तरह दुख में रहने दो, हम दूसरी बात नहीं सुनना चाहते। तुम्हें उदाहरण देती है साधारण जीवों का, कुछ जीवों का उदाहरण दिए हैं कि वे अपने अपना प्रेम नहीं छोड़ते हैं, अपने प्रियतम को नहीं भूल पाते हैं। तो हम तो मानवी हैं, हम गोपी हैं, हम कैसे श्याम सुंदर से प्रेम करना छोड़ दें। एक सौ नब्बे नंबर पद में वे कहते हैं, सब जल तजे प्रेम के नाते, सब जल तजे प्रेम के नाते, तव स्वाति चातक नहीं छाड़त, तहु स्वाति चातक नहीं छाड़त, प्रकट पुकारत ताते, प्रकट पुकारत ताते। देखो, एक चातक के प्रेम को देखो उद्धव। चातक एक जीव है, पक्षी है, लेकिन स्वाति नक्षत्र में बादल से वो डायरेक्ट जल प्राप्त करता है, उसके चोंच में जो स्वाति का बूंद गिरता है वही पी करके रहता है, सालों भर पी पी पुकारता रहता है, बादल की तरफ देखता रहता है। बादल जब आकाश में आते हैं तो देखता है, पुकारता रहता है, क्या उसको पीने के लिए और कोई जल नहीं है? सरोवर, नदी, तालाब, छोटे छोटे झरने, ये सब जल नहीं है क्या? जल रहते हैं, लेकिन सब जल तजे प्रेम के नाते, प्रेम के नाते वो सब जल त्याग चुका है। क्या चातक के लिए गंगा जी की धारा नहीं है? है, जमुना जी की धारा है, सोन नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, सरस्वती है, बहुत पवित्र नदियाँ हैं, और नारायण सरोवर, और भी अनेक प्रकार के सरोवर हैं, लेकिन सब जल तजे प्रेम के नाते। देखो, प्रेम चातक का बादल के साथ,
तबु स्वाति चातक नहीं छाड़त, चातक स्वाति नक्षत्र को नहीं छोड़ा। स्वाति नक्षत्र से मतलब स्वाति नक्षत्र में जो बादल से वर्षा होती है उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा, उसी से प्रेम रखा। और सालों भर पानी नहीं पीता, एक बार अगर चोंच में पानी आ गया तो बस ठीक है, दूसरा पानी नहीं पीता, वही पानी पी करके रहता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बादल से वह और महीने में पानी नहीं मांगता है, स्वाति नक्षत्र में। यहाँ के लोग सब स्वाति नक्षत्र जानते होंगे, हथिया में हाथ गोल, चित्रा में लेड़ा और चढ़त चढ़त स्वाति भी छोड़ा। स्वाति चढ़ने पर धान के फल पूरा अप्रकट हो जाते हैं। और चित्रा में वो रेणा पर चढ़ता है, रेणा मतलब उसमें फसल आने होता है, गर्भ में सब चावल रहते हैं। और स्वाति नक्षत्र में धान के सारे बाल प्रकट हो जाते हैं, झांपी झोल। जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग नहीं जानते हैं कि स्वाति क्या है ना। जनवरी फरवरी जानते हैं, क्रिसमस भी जानते हैं, लेकिन स्वाति नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं क्या सोचेंगे, स्वाति माने क्या होता है, हथिया नक्षत्र माने क्या होता है। वृंदावन में कभी कभी इधर के भक्त आते हैं तो हम पूछते हैं इसमें क्या नक्षत्र चल रहा है, तो बताते हैं। दूसरे लोग एक दो बार सुन करके चकित कर पूछे हैं, महाराज ये हथिया क्या है। अब क्या समझाया जाए, पहले तो छह ऋतु ही नहीं जानते हैं कुछ लोग। कुछ भागवत की कथा सुनने से जानते हैं शरद ऋतु। तो सबसे पहले है बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रावीण ऋतु वर्षा ऋतु, इसके बाद शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। दो दो महीने का एक एक ऋतु होता है। चैत्र और वैशाख को बसंत ऋतु कहते हैं तथा जेठ और आषाढ़ को ग्रीष्म ऋतु, सावन और भादो को प्रावीण ऋतु वर्षा ऋतु, और आश्विन और कार्तिक को शरद ऋतु तथा अगहन और पुष को शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु, और इसके बाद माघ फागुन को शिशिर ऋतु। और सब याद है, कई अंग्रेजों का नाम याद है, देश का नाम याद है, सब कुछ, लेकिन जो भगवान का डायरेक्ट उनकी व्यवस्था है सिर्फ से ज्ञान नहीं। तो स्वाति नक्षत्र ये लगभग कुवार के अंत में होता है ना, अश्विन के अंत में। पर चातक का प्रेम देखो, सब जल तजे प्रेम के नाते, तऊ स्वाति चातक नहीं छाड़त, प्रकट पुकारता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति के प्रेरणा दिया है कि भक्त का प्रेम भगवान राम के प्रति चातक जैसा होना चाहिए। वे लिखे हैं दोहावली में कि एक बार एक चातक उड़ रहा था, प्यास के कारण तड़फड़ा रहा था, फिर भी ऊंचा दृष्टि करके और उड़ता जा रहा था, उड़ने की शक्ति नहीं थी। तब तक वो गिर गया गंगा जी में, चातक गंगा जी में गिर गया।
उसने देखा कह रही तो मैं नदी में गिर गया, अभी ये भी पता लग गया कि ये परम पवित्र गंगा नदी है, फिर भी अपने चोंच को ऊपर उठाए रहा कि कहीं हमारे मुंह में गंगा का पानी ना चला जाए। मरते समय वो गंगा का पानी नहीं डालना चाहता था, अपने प्रियतम बादल का ही पानी चाहता था, नहीं मिले तो रटते रटते मर जाएगा लेकिन दूसरा पानी नहीं ले सकता। तो मरते समय भी अपने चोंच को ऊपर उठाए रहा। बताइए, जिस गंगा का जल प्रत्येक हिंदू चाहता है, इतना पवित्र जल है, और मरते समय मरने वालों के मुख में तुलसी और गंगा जी का जल डाला जाता है, ऐसे पवित्र जल को भी चातक नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका प्रेम बादल से था, मेघ से था। मरते समय भी अपने प्रेम पर खोच नहीं आने दिया, कलंक नहीं आने दिया। मरा लेकिन मरने के बाद ही पानी गया होगा मुख में, जीते जी नहीं पिया। इस तरह का प्रेम निभाते हैं, एक पक्षी भी ऐसा प्रेम निभाता है। तौ स्वाति चातक नहीं छाड़त, प्रकट पुकारत ताते। तप्त रहता है, प्यास से व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी पुकारता रहता है, पी पी पी। इसको पपीहा कहते हैं। अब ये पक्षी इधर दिखाई नहीं देता है, हम लोगों ने देखा अपने आँख से पपीहा चातक। समुझत मीन नीर की बातें, तौ प्राण हथियारत। और ठीक चातक की तरह मछली नीर का, पानी का स्वभाव समझती है। यदि जाल पड़ता है तो मछलियां फंस जाती हैं और पानी मछलियों का साथ छोड़ करके बह जाता है, मछलियां जाल में फंस जाती हैं। ये जानती हैं कि पानी हमारा साथ नहीं देगा, जाल पड़ने पर साथ छोड़ करके बह जाएगा, लेकिन फिर भी समझते मीन नीर की बातें। नीर के स्वभाव तत्व को मछलियां जानती हैं, फिर भी जल के लिए ही प्राण त्याग देती हैं। तो प्राण हठिहारत, इसको तो प्रकट देखा जा सकता है, जल से बाहर होने पर मछली किस तरह अपने प्रियतम जल के लिए छटपटाती है। उसको पता है कि जल सब समय साथ नहीं रहेगा, छोड़ देगा साथ, लेकिन फिर भी जल के लिए ही मरती रहती है। तो उद्धव, हम तो मनुष्य हैं, जब एक मछली भी अपने प्रियतम को नहीं छोड़ पाती है, छोड़ते ही मर जाती है, तो हम श्री कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं? भले मर जाएंगे विरह में, ये ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो ये ज्ञान है कि ब्रह्म ज्ञान की साधना करो, समाधि लगाओ, ये हम नहीं कर पाएंगे। तुम कृष्ण से इस तरह प्रेम करते हैं। सुनत कुरंग नाद रस पूरन, जगति व्याध सरमारत। कुरंग हरिण नाद रस, शब्द रस, संगीत का रस पान करता है, सुनता है कान में, और यहाँ तक कि व्याध उसको बाण मार देता है, पर बाण लगने पर भी उसको इतना प्रेम है संगीत से कि उसे सुनता रहता है, उस शब्द को सुनता रहता है। अरे, जब बाण लगने पर भी हरिण संगीत से प्रेम नहीं छोड़ता, सुनता रहता है, तो हमें कोई भी दुख हो, मुरली बजाने वाले से कैसे प्रेम छोड़ सकते हैं? तो एक साधारण पशु है, अविवेकी जीव है, फिर भी उसको इतना प्रेम है शब्द से। निमिष चकोर नयन नहीं लावत, ससिजो वत जुग बीते। और एक चकोर पक्षी होता है, वो चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा पूर्व दिशा में उगता है और उसी समय देखता है, और देखते देखते ऐसे उसकी गर्दन मुड़ती है, और जब तक चंद्रमा अस्त नहीं होता है तब तक देखता रहता है। और प्रतिदिन शशि जोवत जुग बीते, चंद्रमा को देखते देखते जुग बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वो देखता ही रहता है। शशि जोवत जुग बीते, शशि को देखते देखते, चंद्रमा को देखते देखते जुग बीत जाता है। पर किसी दिन
चकोर चंद्रमा से उदासीन नहीं हुआ कि हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, कभी आधा उगता है कभी नहीं उगता है, कहीं आता ही नहीं है, फिर भी कुछ भी करे चंद्रमा, चंद्रमा से चकोर को प्रेम है तो अपने प्रियतम चांद को शशि को छोड़ नहीं पाता है, भले वह उगे या न उगे, आधा उगे या चौथाई उगे या न उगे, फिर भी चकोर को चंद्रमा से प्रेम है। कभी भेंट इनमें नहीं होती है, चंद्रमा आकाश में रहता है और चकोर पृथ्वी पर रहता है, कभी बातचीत नहीं है, कभी मोबाइल फोन से भी बात आपस में नहीं किए चकोर और चंद्रमा, फिर भी उनका प्रेम देखिए। इधर तो फोन पर भी झगड़ा होता है, हमने सुना है फोन पर भी झगड़ा होता है, और पति पत्नी में, मित्र मित्र में झगड़ा होता है, प्रेम नहीं है संसार में कुछ नहीं, थोड़ी सी बात के लिए उसके बाद पूरा कट ऑफ हो जाता है, जो बोलना चलना आना जानना नेवता हकारी सब बंद। इस संसार में कोई प्रेम नहीं है, इतना कम्युनिकेशन के बाद भी जहाँ रोज भेंट होती है रोज बात होती है फिर भी प्रेम टूट जाता है, और चकोर और